विधानसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव में भी बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। 10 में से 5 सीटों पर बीजेपी ने अपना कमल खिला लिया है। ढोल नगाड़ों पर झूमते और एक दूसरे को जीत की बधाई दे रहे ये कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जिसकी पार्टी का करिश्मा उपचुनाव में बरकरार रहा। रविवार को 9 राज्यों की 10 विधानसभा सीट और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें से आधी सीटों पर बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है और बाकी जगहों पर भी पार्टी उम्मीदवारों ने कांटे की टक्कर दी। बात करें दिल्ली की राजौरी गार्डन विधानसभा सीट की, तो यहां बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा ने सत्ता आसीन आप और कांग्रेस को पछाड़ते हुए जीत का सहरा अपने सर सजाया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तो जमानत ही जब्त हो गई। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की लहर दिखी। यहां भोरण सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अनिल धीमान ने जीत दर्ज की है। डॉक्टर अनिल धीमान ने कांग्रेस प्रत्याशी को 8,290 मतों से हराया। वहीं मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी के नाम रही। मध्य प्रदेश की बांधवगढ़ सीट पर बीजेपी का कमल खिला है। बीजेपी प्रत्याशी शिव नारायण सिंह ने यहां से जीत हासिल की है। शिव नारायण सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी को 25,476 मतों से मात दी है, जबकि मध्य प्रदेश की अटेर सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने जीत दर्ज कराई है। हेमंत कटारे ने बीजेपी उम्मीदवार को महज 3,833 मतों से हराया। राजस्थान की धौलपुर सीट पर बीजेपी की शोभा रानी कुशवाहा जीती। शोभा रानी ने कांग्रेस प्रत्याशी को 38,673 वोटों से हराया। वहीं असम की धीमाजी सीट से बीजेपी के रानोज पेगू जीते। रानोज पेगू ने कांग्रेस प्रत्याशी को 9,285 मतों से मात दी। कर्नाटक की नंजनगुड सीट पर केएन केशव मूर्ति जीते हैं। केएन केशव मूर्ति ने बीजेपी प्रत्याशी को 21,334 मतों से शिकस्त दी। वहीं कर्नाटक की गुंडलुपेट सीट से मोहन कुमार की जीत हुई है। मोहन कुमार ने बीजेपी प्रत्याशी को 10,877 मतों से हराया। पश्चिम बंगाल की कांथी दक्षिण सीट पर तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई है। टीएमसी प्रत्याशी चंद्रीमा भट्टाचार्य ने यहां से जीत दर्ज की है। चंद्रीमा भट्टाचार्य ने बीजेपी प्रत्याशी को 42,425 वोटों से हराया। वहीं झारखंड की लिट्टीपाड़ा सीट पर जेएमएम की जीत हुई है। जेएमएम प्रत्याशी साइमन मरांडी ने यहां से जीत हासिल की है। साइमन मरांडी ने बीजेपी प्रत्याशी को 5,783 वोटों से हराया है। तो उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 10 में से 5 जगहों पर मोदी लहर दिखी। इन सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है और बाकी सीटों पर भी बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी के लिए 2019 की राह भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। देखते रहिए डीबी लाइव।